रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम प्रेजेंट्स। आपको नहीं लगता रेडियो जॉकी कमाल की चीज होते हैं? और रेडियो जॉकी अगर खूबसूरत हो तो फिर तो कमाल ज्यादा होता है। मुर्गा बनाओ। हेलो सलीम साहब, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ और मुझे ये पता चला कि आपने रेडियो मिर्ची में साइमा के शो पुरानी जीन्स के लिए कोई रिक्वेस्ट करी थी। जी हमारा सिस्टम जो है वो बड़ा कमाल का है सलीम साहब, और यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं वो फौरन आ जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साइमा के शो पुरानी जीन्स में आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, जीने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। वाह, देखिए जिस तरह आपने गाना पसंद किया है मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह के गाने हर किसी को पसंद नहीं आते। तो मैं जरूर चलाऊंगा आपका गाना और साइमा से कहूंगा कि ये गाना जरूर प्ले कर दें। समझे? बात हो रही है साइमा से बात का जहाँ तक ताल्लुक है सलीम साहब, उसका शो जो है वो 9 बजे शुरू होता है, तो आप 9 बजे उनसे फोन करिएगा रेडियो मिर्ची के नंबर पे, तो आपकी बात हो जाएगी। हम तो 9 बजे कुछ कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। जी मैं कह रहा हूँ, और आप जरूर करिएगा एक बार साइमा से बात, बड़ा मजा आता है। तो हमें नंबर दे दीजिए, आप अगर दे सकते हैं तो हम तो बिल्कुल बात करेंगे। देखिए आप जिद ना करें, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे परमिशन नहीं है। रेडियो मिर्ची ये मना करता है साहब कि साइमा का नंबर बगैर इजाजत के किसी को नहीं देना, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा था। और बताइए। बिल्कुल भी मतलब ऐसे सोच लीजिए कि मैं बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फैन हूँ मैं साइमा का। जी, जी, मैं इतना सुनता हूँ मैं इसको, बस मैं आपको क्या बताऊँ मैं मतलब रात। देखिए जहाँ तक साइमा का ताल्लुक है तो साइमा को सभी ही सुनते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है, और आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है कि साइमा से मोहब्बत करते हैं आप, उसका शो सुनते हैं, लेकिन मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा, ये आप मुझे सलीम साहब माफ करिएगा। बिल्कुल भी किसी को नहीं पता लगेगा, मैं नहीं दूंगा। आप मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि नंबर देना मुझे इजाजत नहीं है, साइमा की इजाजत के बगैर मैं किसी को नंबर नहीं दे सकता, आप समझ क्यों नहीं रहे? तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ईमान से मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है साइमा। अच्छा। इतना सुनू हूँ मैं उसको, इतना सुनू हूँ, इतना समझ लें आप, मैं दीवाना हूँ। तो पता क्या हुआ, मैं साहब यहाँ गया था साकेत जी, आई हुई थी, मैंने देख लिया। अच्छा। ईमान से जब से दीवाना हो गया हूँ मैं, इतना मतलब मैं तो प्यार करने लगा हूँ, बस इतनी बात मुलाकात हो सकती है, मतलब वो मिलेंगे हमसे नहीं? देखिए जहाँ तक प्यार का ताल्लुक है तो प्यार साइमा से बहुत लोग करते हैं और मैं खुद भी करता हूँ, और साइमा है ही इस तरह की कि उससे प्यार किया जाए, लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं मुलाकात अब इस वक्त नहीं करा सकता और ना ही नंबर दे सकता हूँ। ये बात कही आगे यकीन मानोगे आप? जी पूछिए। इतना चाहता हूँ मैं साइमा को, अगर ये राजी हो जाए ना। अच्छा। मान से मैं शादी कर लूँ इससे। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए शादी का जहाँ तक ताल्लुक है वो साइमा की खुद की मर्जी होगी कि वो किससे शादी करें, किसको अपना बनाएं, इस मामले में मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ ये जरूर है कि मैं साइमा के शो में आपकी पसंद का गाना चला रहा हूँ। हाँ आप रुकिए, जरा होल्ड करिए। आप कौन बोल रहे हैं आप? मैं साइमा का अब्बू बोल रहा हूँ, पापा। जी तो मैं असल में आज वो देर से आ रही थी बच्ची मेरी, मुझसे कह रही थी कि अब्बू आप जाके देखें कि किसने क्या रिक्वेस्ट भेजी है और कौन सा गाना कौन सुनना चाहता है। तो मैं कभी बैठा नहीं हूँ यहाँ रेडियो मिर्ची में। अच्छा मैं फौज में हूँ, कर्नल हूँ, गुस्सा मुझे इस कदर आता है कि मैं गोली मार दूँ अगर गुस्सा आ जाए। तो साइमा कह रही थी कि अब्बू आप पहली बात तो गुस्सा मत करिएगा और ज़रा रिक्वेस्ट ले लीजिएगा। समझे सलीम साहब? जी कहाँ गए सलीम साहब? हेलो सलीम साहब हैं? अच्छा आप हैं? जी जी जी। और अंकल आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और सब बढ़िया है। साइमा बाजी चला दें तो फिर बहुत बेहतर रहेगा। जी साइमा बाजी से तो मैं अंकल एक बार हम और बात कहना चाहेंगे आपको कि साइमा बाजी जब शो करके निकले तो हम ये चाहेंगे कि जैसे दिल्ली का माहौल चल रहा है ना खराब, आपको 12 बजे तक वो निकल जाए और बिल्कुल सीधे घर पहुंच जाए, बिल्कुल मतलब रास्ते में एक तो अकेली बिल्कुल ले ना जाए, बिल्कुल बढ़िया हिफाजत से घर तक पहुंच जाए, बस हम तो यही तो दुआ करेंगे और कुछ भी ना। जैसे कि आपने बताया कि साइमा को आप बहन मानते हैं, तो मैं खुद कहूंगा कि साइमा हिफाजत से पहुंचो। मैं आपकी हर बात को समझ गया हूँ, और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। इतनी इज्जत सी निकले है उनके लिए, बिल्कुल ऐसा लगे है कि बस मुझे मेरी बाजी सी लगे हैं। अच्छा बाजी मतलब आपकी बहन सी लगती हैं आपको साइमा। लीजिए इत्तेफाक की बात देखिए कि आपने साइमा का नाम लिया और आप ही गई। साइमा ये सलीम साहब हैं, बात करो इनसे। सलीम साहब जी, साइमा बोल रही हूँ मैं, मतलब हेलो जी सलीम साहब, आप कुछ कह साइमा मैं कहना चाह रहा था
आई लव यू।